नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं सिंगल सेनेटरी हाउस सिंगल टाइल्स शंकर जी तिराहा, मऊ रोड सिधारी आजमगढ़, लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरला डी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, जिस बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे उसके दर्शन मंगलवार को लोगों को मिल गए। सोमवार को कुछ देर तेज बूंदाबांदी कर बादलों ने 15 मिनट का टेलर दिखाया था जो लोगों को भा गया था। मंगलवार को सुबह करीब 6 बजे से मेघों ने बारिश का प्रसारण शुरू किया और यह फिल्म खूब चली। 6 बजे सुबह से कभी फास्ट तो कभी स्लो चली बारिश की यह मूवी दोपहर 2 बजे तक जारी रही, जिसे देख शहरी कुल कुल हुए तो किसानों के खेत पानी से फुल। हालांकि थोड़ा है थोड़े की जरूरत की उम्मीद अभी किसानों के आंखों में साफ साफ दिखी। उनका अरमान यही है कि कम से कम 3-4 दिन ऐसी ही बारिश होती रहे। बहरहाल कहना ना होगा कि मंगलवार को जिले में हुई बारिश ने आम लोगों को जहां उमस भरी भीषण गर्मी से खासी राहत पहुंचाई, तो वहीं धान की खेती करने वाले किसानों के लिए भी यह बारिश राहत बनकर बरसी है। इसके चलते किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों की खुशी स्वाभाविक भी है, हालांकि धान की फसल को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों का कहना था कि धान की फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी थी, इस बारिश से धान की फसल को फायदा पहुंचा है। किसानों को गर्मी और बिना बरसात के जहां अपनी धान की फसल के लिए पानी की समस्या आए दिन हो रही थी, इस बारिश में किसानों को काफी लाभ हुआ है। उन्हें सिंचाई से फिलहाल छुटकारा मिल गया है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ आजमगढ़ ने डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कुलपति के माध्यम से भेजा गया। डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में ही महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का कैंप कार्यालय है। 9 जुलाई 2023 को बरेली कॉलेज में महासंघ की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 22 अगस्त को 22 सूत्रीय मांगों को लेकर संबंधित शिक्षक एक दिन का अवकाश लेंगे और एक दिवसीय धरना दिया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की कई समस्या है। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाल हो, खाली पदों पर 3 वर्षों से ज्यादा समय से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को स्थायी किया जाए, राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा दी जाए, बायोमेट्रिक की उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म हो, स्थानांतरण की जटिलता समाप्त हो, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। इस दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए गए। इस प्रकार 22 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय शिक्षक संघ के आजमगढ़ अध्यक्ष ने मांगों के बाबत विस्तार से बताते हुए कहा कि बायोमेट्रिक का हाजिरी डिग्री कॉलेजों में अनिवार्य करने से महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं आने वाले वर्षों में इन कॉलेजों को त्याग कर उन महिलाओं में चले जाएंगे जहां बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे सरकार की मंशा सुधार की न होकर निजीकरण को बढ़ावा देने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि नो एजुकेशन पॉलिसी है। एक दिवसीय धरना शासन की गलत नीतियों के खिलाफ रेखा पूर्वांचल में पोखटा के आह्वान पे रखा गया है, जिसमें बहुत सी हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। सबसे अहम मांग हमारी जो है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। दूसरा जो हमारा उसमें मुद्दा है कि जो 47 का हमारे शिक्षक हैं जो 12 साल लगभग पूरे यूपी के अंदर 1250 करीब हैं, उनका अस्थायीकरण किया जाए। तीसरा मुद्दा जो था कि बायोमेट्रिक का जो हमको ये बताया गया है कि आप आएंगे तो आपको भी साथ साथ आप हैं हमारे उस टीचर्स के साथ साथ हमारे छात्रों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी होगी। तो ये सबसे अहम मुद्दा कि हमको अंगूठा छाप बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा सकता, अंगूठा छाप बनाने की कोशिश की जा रही है जो सरासर अन्याय है। तीसरी चौथा मुद्दा जो हमारा था एनईपी को लेकर था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं कहता हूँ कि नो एजुकेशन पॉलिसी ये है, नो एजुकेशन पॉलिसी है। क्योंकि एक बार लड़का जो है एडमिशन लेता है तो 8 मरतबा परीक्षा, 2 साल के अंदर वो 8 परीक्षाएं देता है, जो कि हमारी इस परिवेश के लिए कॉलेजेस के परिवेश के लिए असंभव है। ये वहाँ पर लागू हो सकती है जहाँ पे कि छात्रों की संख्याएँ जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड छात्रों की संख्याओं पर ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती। ये इस सब मुद्दों को लेकर हमारा ये आंदोलन आज एक दिवसीय है। 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हम लोगों ने विरोध के रूप में काला फीता बांध कर क्लासेस ली, लेकिन आज 22 तारीख को हम लोग सामूहिक अवकाश पर रखकर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और
कुलपति के माध्यम से हम ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजेंगे। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की बीते 31 जुलाई को कॉलेज की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। श्रेया को न्याय दिलाने के लिए उसके माता पिता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, लेकिन श्रेया के माता पिता को जाँच कौन कर रहा है, कैसे हो रही है जाँच, किस स्तर पर पहुँची है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। जाँच की जानकारी लेने के लिए श्रेया के माता पिता जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, जहाँ एडीएम ने उन्हें संबंधित अधिकारी से मिलने के लिए कहा। संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ने माता पिता को कोई जानकारी नहीं दी और बेरुखी से बात की। श्रेया ने पिता ऋतुराज तिवारी और माता नीतू तिवारी का कहना है कि श्रेया की मौत को 22 दिन बीत गए, लेकिन उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी से मिलने पर ऐसा लगा कि हमने कोई गुनाह कर दिया, हम पीड़ित हैं, तब भी हमें जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि जो अपराधी है उनको पल पल की जानकारी मिल रही है। श्रेया की मां नीतू तिवारी ने कहा कि अगर हमारे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कहा कि श्रेया को न्याय दिलाने के लिए वो आखिरी सांस तक कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगी। आज हमारी बेटी को मरे 22 दिन हो गया और किसी भी प्रकार का हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारी जाँच कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है, ये सब जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी। इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे और डीएम साहब जब नहीं थे तो हमसे कहा गया, एडीएम साहब मिले, एडीएम साहब ने बोला कि आपके जो जांच वगैरह की जो भी जानकारियाँ हैं वो कोई रोहित करके नाम है, वो अपर जिलाधिकारी नाम से हैं, उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने बहुत ही मतलब अकड़ के साथ जो है जवाब दे रहे थे कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपके साथ जो सिंपैथी थी वो भी नहीं। मैं सर गुनाह कर दिया, मैं उनको उनसे अगर उनको इनके यहाँ पूछने आ गया कि सर मेरी स्टेटस बता दीजिए कि क्या चल रही जांच में, तो मैं गुनाह गया, जबकि वही बोले कि आपके यहाँ कोई अधिकारी नहीं गया 16 दिन से, हमका सर कोई अधिकारी नहीं गया, लेकिन फिर भी अकड़ रहे हैं। जो अपराधी है उनसे सवाल किए जा रहे हैं, अपराधी हैं उनसे बात की जा रही है, लेकिन जो पीड़ित है उससे कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, मेरे जो है कि आज 22 से 21 दिन हो चुका है, लेकिन कोई मतलब हमसे कोई जानकारी साझा नहीं किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो पीड़ित है उससे कोई जानकारी नहीं ली जा रही ना बताई जा रही है, लेकिन जो अपराधी हैं उनसे सारी जानकारी उन्हें पता चल रही है, उनसे मिला जा रहा है, उनके बारे में पूछा जा रहा है, बार बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपराधी नहीं है। और मेरी बेटी को सिर्फ एक बिंदु पे कि उसने मोबाइल लाई थी, वो मोबाइल पे बात करती थी, ये मैटर है। अच्छा, आप लोगों ने विद्यालय में एडमिशन कराया था, आप लोगों को नहीं पता था विद्यालय? नहीं, हमें नहीं पता था, हमें तो समाचार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसकी मान्यता नहीं है। तो अगला कदम आपका क्या है इसके बारे में भी? जो हम लोग इसके बारे में भी हम बात आए हैं, डीएम सर से बात करेंगे, एप्लीकेशन देने आए हैं हमने, क्योंकि मुझे कुछ भी हो मेरी बेटी मर गई है तो इसका मतलब नहीं कि अब वो पैसे वाले हैं, ये चीज़ें शुरू से आ रही हैं। कल को अगर हमको या मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो ये प्रशासन जिम्मेदारी लेती है या सरकार लेती है? मेरा एक छोटा बच्चा भी है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अगर हम भारत में रहते हैं तो क्या हम मदद तब दूसरे देश की सरकार से लें? हमारा अधिकार है कि हमें सरकार यहाँ की मदद दे। हमने जो है कि जनता दरबार में भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ नई आशा लग रही है, हम कहाँ जाएं बताइए, हमें किसके दरवाजे हम जाके गुहार लगाएं? योगी बाबा के पास गए थे क्या? हाँ गए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ 21 दिन 22 दिन हो गए, हमें कुछ नहीं पता है। हम इसी के लिए आए थे कि हमको पता चले कि क्या उनके यहाँ से भी कोई एप्लीकेशन या कुछ चीज़ें आई हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कोई बता रहा है। और न तो हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है। तो क्या लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि मेरी बच्ची खोई है। मैं न रात को सोती हूँ न दिन को चैन है मुझे, मेरी बच्ची हर वक्त मेरे यहाँ निगाह के आगे नाचती, क्योंकि मेरी बच्ची न बीमार थी न कुछ थी, इसलिए मुझे मेरी बच्ची के लिए न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसमें जो लोग इसमें अपराधी साबित होंगे मैं सबको कोर्ट के ही जरिए लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। विद्युत विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मियों को कंपनी द्वारा पिछले दिनों सेवा से हटाने के मामले को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर पीड़ित कर्मियों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर उनकी नौकरी को फिर बहाल करने की मांग की गई। जैनपुर क्षेत्र के बेरमा पावर हाउस पर सहायक लाइनमैन मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बताया कि उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में 16 मार्च से 19 मार्च 2023 तक 72 घंटे का हड़ताल चला, जिसमें इमरजेंसी में आउटसोर्सिंग बिजली कर्मचारियों ने अपनी
अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, जिसका प्रमाण पत्र उस दौरान ड्यूटी पर लगाए गए नलकूप पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के जेई के द्वारा भी लिखित तौर पर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी हड़ताल में शामिल होने का हवाला देकर कंपनी ने कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अचानक से निकाल दिया और धन उगाही कर नए कर्मचारियों को रखा जा रहा है। जबकि पीड़ित कर्मचारी कई वर्षों से कार्य कर रहे थे। मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में विद्युत उपखंड अधिकारी से लेकर विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता तक को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मांग की गई कि जिला प्रशासन मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई करे। सुनते हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव ने क्या कहा। 3/2023 को जो विद्युत मजदूर पंचायत का जो 72 घंटे का हड़ताल हुआ था 16/3/2023 रात्रि 10 बजे से, तो उसमें सर हम लोगों के ऊपर आरोप लगा के बर्खास्त किया गया था कि आप लोग ड्यूटी पे नहीं थे, आप लोग कार्य नहीं किए। जबकि सर हम लोग जो है अपने अपने हम लोग जीहनपुर और अमुआरी और बेरमा पावर हाउस के कर्मचारी सर जो जहाँ जो प्रभारी जेई महोदय जो थे, कहीं नलकूप वाले थे, कहीं लोक निर्माण विभाग थे, तो उनके साथ सर हम लोग काम भी किए हैं और उनके द्वारा हम लोगों को लिख के भी प्रमाणित करके दिया गया है कि आप लोग हड़ताल के दौरान कार्य किए हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के मिली भगत से कुछ अपना पैसे का इधर उधर कर करके दूसरे लोगों को लोग उसमें नए लोगों को भर्ती करना चाहते हैं और हम लोगों को बाहर करना चाहते हैं सर। हम लोग विद्युत विभाग में लगभग 6, 7, 8 साल, 9 साल, कोई 10 साल पुराना सर हम लोग कार्य करते हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। शिकायत आप कहीं किए थे सर? इसकी शिकायत हम लोग उपखंड स्तर से लेके और चीफ्स तक, मुख्य अभियंता महोदय तक हम लोग लेटर दिए थे, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तब लोग सर हम लोग विवश होके आज जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के यहाँ अपना करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग सर चाहते हैं हम लोग साथ न्याय हो और हम लोग कार्य किए हैं सर, हम लोगों को ड्यूटी पर पुनः वापस किया जाए। इससे ज़्यादा सर हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं और जो लोग उसमें गलत लोग हैं उनको कार्रवाई किया जाए सर। आज आप लोग ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है सर, एडीएम साहब थे वो बोले हैं कि इस पर हम विधिवत कार्रवाई करेंगे और उनके उनसे हम लोगों की पूरी न्याय की उम्मीद है सर। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का 24 अगस्त 2023 को नियुक्ति के बाद लखनऊ प्रथम आगमन पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया जाएगा। स्वागत समारोह में आजमगढ़ से लगभग 300 कांग्रेसजन शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे बताया कि 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होने से कांग्रेसियों ने नया जोश और उत्साह है। 24 अगस्त 2023 को नियुक्ति के बाद उनके प्रथम लखनऊ आगमन पर लखनऊ में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेने आजमगढ़ से 300 से अधिक कांग्रेस जन जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में लखनऊ रवाना होंगे। अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब नए जोश और उत्साह से आगे बढ़ेगी। संगठन में बूथ स्तर तक कहीं भी जो कमियां रह गई हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा। आगे आने वाले समय में जनविरोधी सरकार की गलत नीतियों और जनहित के मुद्दों को लेकर तानाशाह सरकार का विरोध संसद से सड़क तक और मजबूती से दिखेगा। कांग्रेस पार्टी मिशन 2024 के लिए पूरे दमखम से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस जन एकजुट होकर पूरी ताकत से मिशन 2024 में बीजेपी की तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कृत संकल्पित है। कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के लखनऊ प्रथम आगमन पर आजमगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष माननीय प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में लखनऊ में जोरदार स्वागत किया जाएगा। स्वागत के लिए आजमगढ़ से लगभग 300 कांग्रेसजन विभिन्न साधनों से लखनऊ रवाना होंगे। माननीय अजय राय जी 5 बार के विधायक रहे हैं, वह एक कुशल संगठक और संघर्षशील नेता हैं। उनके नियुक्ति से उत्तर प्रदेश के कांग्रेसजनों में काफ़ी उत्साह है। आगे आने वाले दिनों में मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस पूरी ताकत से पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी और तानाशाह बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मंगलवार को DIOS कार्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा ने धरना देते हुए प्रदेश स्तरीय 20 व जिला स्तरीय अपनी कुल 6 मांगों का राज्यपाल मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन DIOS को सौंपा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया गया। जिलाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पारित करके शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर कुठाराघात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को निष्प्रभावी कर दिया गया, जिसे शिक्षकों में अत्यधिक आक्रोश एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है, इसलिए पुनः
धारा 18 और 21 को यथावत सम्मिलित करने की मांग की जा रही है और 21 को यथावत सम्मिलित करने की मांग की जा रही है जिससे शिक्षकों को प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के शोषण दमन अत्याचार से मुक्ति मिल सके और वो स्वतंत्र होकर शिक्षण कार्य कर सके। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना भी बहाल हो, लंबित समस्याओं का यथाशीघ्र न्यायोचित तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि शिक्षकों को कार्यालय का बार बार चक्कर न लगाना पड़े। धरने के दौरान महासभा ने बरडीहा, कुबा, ओरा सहित अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के रोके गए वेतन की तत्काल बहाली की मांग की। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश की 22 समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और ज़िले की समस्याओं को सम्मिलित करते हुए हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समस्त ज़िलों पे एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है जो 2 बजे से 5 बजे तक धरना होगा और इसमें हम लोग संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि जो नई अधिनियम पारित हुआ है उस नए अधिनियम में जो सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धारा 18 और 21 को निष्प्रभावी कर दिया गया है उसको हम लोग इस धरने के माध्यम से या मांग करते हैं उस धारा 18 को और धारा 21 को जो शिक्षकों के हित में है और शिक्षकों की सुरक्षा को प्रदान करती है उसको सम्मिलित करते हुए नए अधिनियम में उसको सम्मिलित किया जाए जिससे लोगों की शिक्षा से संबंधित सुरक्षा हो सके ताकि सभी शिक्षक साथी अपने अपने दायित्वों का सही रूप से विद्यालयों में निर्वहन कर सकें और उसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को मीडिया सेल से प्राप्त आपत्तिजनक कमेंट जिसमें ओसामा अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुराना चौक थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा वर्ग विशेष से संबंधित देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट सोशल मीडिया पर करके उनकी धार्मिक भावना आहत कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इस संदर्भ में उपनिरीक्षक योगेंद्र प्रसाद द्वारा प्रकरण की जांच की गई तथा जांचोपरांत आरोप सही पाए जाने पर ओसामा अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त लगातार सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी की पोस्ट डाल रहा था, इससे धार्मिक व सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिंगल सेनेटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़ 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स सेरा सेनेटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग बालाजी चौखट एंड विंडो सीमेंट डोर सीमेंट शीट दीवार टाइल्स फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सेरा सेनेटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है जिसमें कमोड वॉल हैंग सीट वन पीस सीट टेबल टॉप बेसिंग पेडेस्टल बेसिंग सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल सेंसर नल वॉल मिक्सचर बेसिंग डाइवर्टर बाथरूम डाइवर्टर शावर मिरर रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेल्ला डी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर एयर कूलर डीप फ्रीजर वाटर कूलर मिक्सर जूसर आयरन फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड सिंगारदान अलमारी सोफा मेज कुर्सी रिवॉल्विंग चेयर रैक स्टूल संडली सीढ़ी गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी पहुँचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेल्नाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स आउटडोर एंड इनडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। Our branch, Kids Paradise Fun of Learning Playgroup, section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College, Paharpur, Azamgarh, admission open, class nursery to 12th,
हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, एक्सेलेंट टीचिंग मेथड, कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, इंश्योर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, कंप्लीट एजुकेशन विद कॉन्फिडेंस, विल मेंटेन कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, सीसीटीवी सर्विलांस, वेंटिलेटेड क्लासरूम एंड सेफ कंपाउंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता, लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।